धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता प्राप्त की है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में निर्मित है, मेड इन इंडिया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अल्प समय में कोरोना की वैक्सीन निर्मित कर एक इतिहास रच दिया है तथा ये स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान के मामले में भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। विश्व में कोरोना के इस आतंक को समाप्त करने में हम अन्य देशों की सहायता कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कोरोना से लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर कदम पर साथ दिया है, इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिक भी मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यह बोल रहे थे, उन्होंने 5 अगस्त की बात की और कुछ कटाक्ष भी किए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला जी ने 5 अगस्त की बात कर ये साबित कर दिया कि जो पिछले दिनों होता था वो अब नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकास के लिए आया पैसा कुछ परिवारों तक ही सीमित रहता था और अब वो पैसा जो है वो विकास के लिए लग रहा है। जो भेदभाव पहले होता था अब वो भेदभाव नहीं होता, चाहे वो जम्मू हो, लद्दाख हो, चाहे मैं कश्मीर की ही बात करूं। आज जो विकास होता है वो सम्मान विकास होता है और सबका साथ और सबका विकास होता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने 70 साल तक लोगों के अधिकारों को छीना। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी के पंचायतों को आज तक अधिकार नहीं दिए गए थे। ये जो जिला परिषद के चुनाव आज करवाए गए हैं, जो 70 वर्षों में पहली बार करवाए गए, और BDC के चुनाव भी पहली बार करवाए गए हैं, आज लोगों को अपने अधिकार मिले हैं। मोदी सरकार ने 70 वर्षों के बाद DDC जिला परिषद के चुनाव करवाकर लोगों के अधिकार दे दिए हैं, विकास के रास्ते खोल दिए हैं, और ये सब 5 अगस्त के बाद हुआ है। 5 अगस्त के बाद और भी बहुत कुछ हुआ है सर। मैं बताना चाहता हूं यहां पर ये विकास जो हो रहा है उसमें रोड, पुल, हाईवे, रेल, बंकर, मेट्रो, बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को हक दिलाना, PO के लोगों को इंसाफ दिलाना, DDC और BDC के चुनाव करवाना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और नल में जल, और इसके अलावा भी कई और बड़े कदम जो है वो उठाए हैं। ये सब अच्छा हो रहा है और ये सब 5 अगस्त के बाद ही हो रहा है। मैं महोदय बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास के लिए जो धनराशि दी जा रही है वो जिस काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए धन दिया जाता है उसी प्रोजेक्ट पर धन लगता है, और धन जो है वो डाइवर्ट नहीं होता, उसका और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। जम्मू कश्मीर में एम्स, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, टूरिज्म को बढ़ावा देना, सौभाग्य योजना के माध्यम पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा पहुंचाना, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करना, इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम जो है वो केंद्र सरकार जो है वह उठा रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत, भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो और हर नागरिक ये संकल्प ले के मैं आत्मनिर्भर रहूंगा, ये संकल्प हर नागरिक का आत्मविश्वास बढ़ाता है। मोदी, मैं बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक जो है वो कदम उठाए हैं, और किसानों का मान सम्मान देते हुए हर गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया जो मदद है वो हर साल दी जाती है। इससे किसान जो है वो खुश हैं और किसानों की बेहतरी के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि धारा 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है समाप्त हो रहा है और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो खुश है, वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर अमन और शांति के साथ विकास की ओर आगे बढ़े, और जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता खुश है।
ये मैं बताना चाहता हूं। तो महोदय मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी प्रदेशों की गिनती में अब आने लगा है 70 वर्षों के बाद, और जो लोगों के अधिकार छीने थे वो अब जो अधिकार हैं लोगों को मिल रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ऐसे कदम जम्मू कश्मीर को बेहतरी की ओर आगे ले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की विकास के लिए आगे उठाए जा रहे हैं। इतने शब्द कहते हुए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।